तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाया अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस गोदी में क्रिटिसाइज करने वाले भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, प्लेन मत देखो। तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आप देख मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू, बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी। तो बिना रुकावट के मनोन के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारी वीडियो, यूं ही दिखाते रहिए अपना प्यार कमेंट्स में, लाइक सब्सक्राइब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो करना है कर दो। तो अब हम लोग आज कुछ तहलके वाली चीज लेके आए हैं, जो तहलका मचा हुआ है। तो हमारा भाई आज एक्सप्लेन करेगा कि हम लोग किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। उस मुद्दे में की बात करेंगे, बताओ भाई, मानुष की बात करेंगे। तुमको पता है ना कश्मीर से हमारा वैसे भी क्या ताल्लुक रहा है, सबको पता होगा ये चीज कि हमें कश्मीर कितना प्यारा है। सही बात है, सही बात है, बहुत प्यारा है। तो वैसे ही राजधानी से कश्मीर का कुछ बैर हो गया है, तो कश्मीर मान गया है बुरा कि मेरे साथ बैर क्यों हुआ है। ये हुआ है हिप हॉप की दुनिया में, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, बट हिप हॉप की दुनिया में, नॉट समथिंग पॉलिटिकल। और बातें अगर घुमा गई हो तो सीधा टॉपिक पे आ रहा है, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो SOS करके है एक रैप डुओ, ठीक है, उन लोगों ने सीधे मौत के ऊपर डिस निकाला है। अच्छा। हाँ, उनके कुछ एलिगेशन है, अभी तक सुना नहीं है मैंने, एक दो क्लिप्स देखी है मैंने उसपे, मैंने तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये था कि जब मौका मिलेगा इसको रिकॉर्ड करेंगे किसी से, तो अब इसको देखते हैं। उसके बाद सीधे मौत का रिप्लाई भी आ गया है, वो भी ऊपर देखेंगे कि हाँ। तो आज हो जाएगा कि आज ही के दिन हम लोग दोनों में डिसाइड कर देंगे कि बातचीत क्या है, बातचीत मैटर है क्या, कौन अच्छा निकाला और मुद्दा क्या है। हाँ, मुद्दा हम लोग को हर एस्पेक्ट से जज करना है, फ्लो वो सब कुछ देखना है, और अगर कोई तुम्हें याद आ रहा है कि ये फ्लो कॉपी गया पुराने गाने से, तो वो भी पकड़ना है, और अगर उसमें जस्टिस दिया है तो उसके। मैंने SOS के तो गाने नहीं सुने, मैंने सीधे मौत के सुने। सीधे मौत के हमने सुने, तो अब आप सुन लेते हैं इसी जस्ट से शुरुआत को छोड़ते हुए सीधा। जब तक आप नॉनवेज पे नहीं आओगे तब तक हिट नहीं होगे लग रहा है। चलो फिर SOS का ब्लैक बॉल सुनते हैं। डेस 30 की समझे सीधे भाई गधे की बुन ना होते सीधे भाई कुत्ते की धुन कर देना बस अड़िए बिना कोई जुन अजन का जन्ना सा निकालू मैं खुद फिर कबर पे नाचू बबी बजा दूं लड़के पागल मेरे यहाँ फला दूं लोडे ले सुन तू बड़ा क्यों सुन फटे निजाम तू खुद ही ले सुन हम करते ना स्टीक डिस करते बर्बाद नाम तो लेके दिखलाने के बाद तुम नाम की मौत हम देते सरकार हाँ की सजा दू अकेले मजार पापा नाराज तू गंदी औलाद निकली ले खता फ्लो मेरी चाट तिमली गाने पे मतलब तुम ला इल्मी तो भाई बात बहुत सुना तेरा क्या मिला गाने सुनो तेरे वैनिला शोपे मेरे तेरी बहन जी लेके सताई तो कैमरा फोटो 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 ये ना मतलब डिस पे सोपे तेरे मेरी बहन जी ये सब बोल के क्या ही मतलब बहुत कूल सीन हो जाता है क्या कि हाँ वो गान पार्ट डिस कर दिया। ये तो एक नॉर्मल सा स्लैंग है ना, डिस में तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा बोल दिया कि उसने मतलब सोचा ही ना हो, ये तो हर कोई कर रहा है। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज इसने बोली ना यहाँ पे, तो इसको इतना प्राउड फील करने वाला कोई बात नहीं है, इट इज कैसे हो गया है, तो नॉर्मल सी बात है। फ्लेक्स में भी करते हैं लोग यही बात, गाली में जैसे इंसान देना चाहता है ना वो गाली को लोग वर्ड से खेल के वो दे देते हैं, मगर बहुत ही कॉमन नहीं हो गया है। हाँ। रिसिस और इतना गांड फाड़ बंदी और बैन ये सब चीजें बहुत कॉमन चल रही है। यही कह पा रहे हैं कब तो पा रहे हैं तो खिंचाती बस कहती फैशन आइकन तुम मेरा मुझे जो जो लड़की पावर पंप मारे और रकम पूछे मेरे जूते का देगा मुझे बेटी अगर तू देगा चढ़ेगा मेरी सीढ़ी गन्ना टूटेगा बीड़ेगा मेरी सीढ़ी चढ़ी मुदेगा सूतेगा मेरा बंदा गंदा ज्यादा यहाँ कूदने का नहीं मेरे खास यारों के लिए मैं कूद दूंगा भाई मेरे यार तेरे पैरों में हाँ घुंघरू लगाए घुंघरू गवाए कुकू उड़ाए कंग फू सिखाए तू तू भगाए अब बोलना बे कौन है बेहतर किससे बेटर छापते अक्सर किसके फ्लो से चोमू रैपर छोटू रैपर दिल से नाचू के रोंदू रैपर हेलो ब्रदर थोड़ी गड़बड़ हुई घर पर मरे रैपर मेरे हाथों चढ़े थे सर पर तुम तो जानते ही हो अबे मेरी बारी तो आंदे कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से खूनी हाथ मेरा ये खेले ना कंचों से मैं क्या बोल रहा है कश्मीरी बज रहा है कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से रात का इंतजाम का इंतजार कर लेते हैं चलो ठीक है क्या करे तलब ही ऐसी अरे भाई और इसको ये डिस बोल अपना डिस है मस्त हंसे होंगे यार महफिल में उदाती दुबे से दिल्ली में मारू साहब खान को दू मुंबई में दुए में लड़के दो परेशान नशे में बनते ये पन्ने का फेफड़े साफ कर रस पीले गन्ने का कलम तोड़ने आया इस नल्ले का ये दल्ले के देंगे सफाई एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के पाए फैन चुन मुँह अपनी माँ को चुन आजादी चाह एल्बम एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के ये कुछ है इनका मुद्दे का बात
तिथि हमको दबाए पर मैंने सिखा रहा ना कभी चुप कौन है सो सब और जाने तेरा ग्रुप ये ढेर जरा हेट देंगे क्या मैं बना शुभ मेरे घर कभी आया तुझे काटे मेरा कुक फॉर नाश्ता झूठ से मैं लड़ूं तो है सच से भागता सारे राज खोलूं तेरे जैसे मैं काफ्का वॉइस तेरे थ्रेट्स पे जैसे मैं फाकता होगा जब सामना अकेला तू लेके नहीं जबाना कश्मीरी को दिल्ली में धमकाना ये बुरा दिन तेरा भर जुर्माना सजा के रखा पूरा महकाना पर उसने बोला है कि सारे राज खोलूं मैं तेरे ऐसे करके बोला ना अभी तो एक राज तो खोल देगी एल्बम का कॉन्सेप्ट चुराया अभी सीन टू में पूरा खोलेगा कि फिर कुछ और हिंट देगा ना पता लगेगा क्या मैटर मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि लगता है कि नया गाना निकालेगा फिर एक राज बताएगा उसमें फिर एक गाना या तो उसके कुछ कुछ कारण होंगे वो बताए होंगे ये इसने ये किया वो किया चलो सुनो पता लगे बैकबोन मैं मेरे शहर की तू पूछे किससे कौन जितना सच बोलिए नफरत करे और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल इंडस्ट्री चोल हमें करे ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल मेरा नाम मेरा शहर ब्लैक बॉल मेरा काम मेरे बॉयज ब्लैक बॉल जो मेरे साथ खड़ा उदय का कॉल इसका नाक पे देख वो बहने वाली वाली पहन इसको ये डिस करेगा ना मेरे को मैं जाके वो 9 वोल्ट वाला नहीं छोड़ा बैटरी आता है चाटते हैं वो लगा दूंगा मादर चोद खत्म काम सारा डिस निकल भाई ये उस रहा है मैं सांड पहने रहे पहना देते हैं इसको काबू में करने के लिए खींच लेंगे काबू में आ जाएगा अभी बेकाबू हो रहा है तो ये हीरा है कि मोती है ये चूतिया ये ब्लैक ब्लैक बॉल है ब्लैक अच्छा तू चिके मैं करूंगा साइन है मेरे पे डीले जब हुए फिर साइन तो इन पे ना टाइम है गिफ्ट भी डीले हम ना अकेले कितने कलाकारों की तोड़ी उम्मीद है कैसी आजादी जब मेरी लिखाई का मतलब है छीने अजर दूर रैप बोलेगा बिखरे सबूत जोड़ेगा कलम बोला कैसी आजादी जब मेरी लिखने का मतलब है छीने तो ये आजादी आजादी रिकॉर्ड के लिए बोल रहा है हैं भोसड़ी से नाम ले लेते हो करवाते हो कलेश रेफरेंस दे दिया गहरी बातचीत कर ऐसे तो भाई तुम गाना गा रहे हो तुमने किसी को कॉपी कर लिया कि भाई तुम गाना गा रहे हो बट एक अलग तरीके से रैप कर रहे हो बस बट कर तो तुम किसी को अपना अपना फ्लो भी मैच हो ही जाता है कि आप गाना गा रहे हो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से मैच करिएगा तुम्हारे शब्द अलग होंगे उनके शब्द अलग होंगे वो कुछ अलग बात कर रहे होंगे तुम कुछ अलग निकालो भाई इसमें वो क्या है भाई और क्या पता नहीं ऐसा क्या जैसे गाने पूरे पूरे उठा के कॉपी कर लिए मेरे में एक दिन दिखा दे जी के आर्टिस्ट में छोटा हिस्सा है पर विजन ईगो के बिना ही ठीक है कह रहा है कि एक हाँ इसके शहर में दिन जी के दिखा दे ये उसके शहर में 3 साल रहा ऐसे कुछ बोल रहा है तो ये दिल्ली में 3 साल रहा है कश्मीर में 3 साल बोल रहा है कश्मीर इतना ज्यादा खराब है क्या इसका तो ये तो अपने कश्मीर को ही खराब कह दे रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ चूतिया आदमी है पूरा गड़बड़ कर दिया क्या ये वहां से छोटे से निकालने के चक्कर में कश्मीर इतना खूबसूरत है वही तो हम लोग तो रह गए G20 हुआ मस्त हम लोग शिकारा पे वो बच्चों कोई दिक्कत हुई एक दो कौड़ी का चीज पीते हैं ये लोग वो पी कावा मादर चोर वो खराब था क्या इतना झाटू भाई इतना वाहियात पता नहीं क्यों फेमस है वो मादर चोर बढ़िया नहीं था क्या अब ये क्या पता उसने बनाना पाया जैसे हम लोग को दिया ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बड़ी बात नहीं बट जो हमें मिला वो तो दो कौड़ी हाँ बस एक चीज मस्त थी चल रहे बगल से हुक्का लेके आ जा रहा है चले आ रहा है तुरंत तुरंत यही था बट मास्क है आगे बढ़ते हैं मैं बोलूं बात सीधे मुंह पे सीधे मुंह के सीधे मौत के सीधे मुंह के ई के मुंह के कीड़े चौक के कितने मसले कितने फितने फुद्दू लड़के बुड्डू गड़वे उड़ते बहुत हैं बैकबोन मैं मेरे शहर की तू पूछे किससे कौन जितना सच बोलिए नफरत करे और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल इंडस्ट्री चोल हमें करे ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल मेरा नाम मेरा शहर ब्लैक बॉल मेरा काम मेरे बॉयज ब्लैक बॉल जो मेरे साथ खड़ा ए बी जे सच बोल ऊपर वाले से डर उड़ेगा कितनी देर तू तेरे भी कटने पर मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर सुखी ना छोड़ू पी क्या बोला मादा मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर तो ये मादा उसकी बंदी के लिए कह रहा है ना ए बी जे इनकोर करके है
जो छोटे बाल रखता है उसका नाम है। उसकी अच्छा बंदी के लिए कुछ कह रहे हैं ये लोग, कर दिया क्या इन लोगों ने कुछ कांड इधर उधर, हो सकता है। नहीं वैसे बोल रहे लोग जो तुम पूरा करूं पर कश्मीरी में ना खौफ, मैं तो जानू तेरा घर पश्मीना पहने लोग तेरे कोट का वो फर, मैं छुए बिना ऑन्स को ऑफ करूं तो मर्जन का लान, ये जैसे प्रभु रहमत टापे पोटर मेरी जान, रहना दूर हमसे सारे खबरदार, हमको खबर तेरा कैसा करे पान, इनसे दूर रहना सारे खबरदार। ये क्या है, वो है क्या, ये वो कश्मीर से बम बम लगा के रखते हैं क्या हर समय? अभी फिलहाल तो पत्थर पत्थर का काम चलता है, अभी तो पत्थर का ब्लैक बॉल है। हाँ ब्लैक बॉल ग्रेनाइट वाली है। पर बोलो हर बात मेरे जज्बात से लटके, तो ठीक चाल करे बेपाप मेरी बहन के करे बच्चे, ये बेचैन फिरे आजकल मुझे कंटेंट मिले लिख के, तू करवट बदल नहीं देखा है तेरी मैं कंगल में, उसे घुमा के मेटल में पैसे न मांगे थे दल्ले, नटखट से अभी तक नल्ले, तूने गाने फेंके सुना चुन में मुझे डिस करा करूं किस मिला तेरा सब। इसने किसी चीज वो बोला कि उसे घुमाता मैं ऐसे पैसे न मांगे थे दल्ले, तो मतलब अगर ये लोग साथ में उस टाइम पे अपने एक रिकॉर्ड में काम कर रहे होंगे तो यारी दोस्ती हो गया होगा, ठीक है, तो उसमें अगर कभी इसने उनके ऊपर कुछ खर्चा पानी कर दिया तो गिनाने का क्या बात है भाई, जो स्टैंडर्ड उसके हिसाब से उतना ही अमाउंट खर्चा किया होगा, अब गांड फटी होगी तो माँ जो याद करते हैं क्योंकि भाईचारा होगा तो ये चीजें माता डिस थोड़ी निकाल देंगे माध्यचोर। नहीं आजकल तो भाईचारा में डिस निकाल आता है भाई, उठा देंगे तुमको, लड़ाई कर लेते आपस में उड़ जाएंगे कौन है। चलो होना इस जुमा मने हर जुमा तेरी किस में काफ तेरा कैटलॉग मुझसे बना बे हट हट मुझसे भिड़ मत तुझे सच बोलूं पढ़वे मुझसे चिढ़ मत अबे हट मुझसे चिढ़ मत। मैं समय से लेता बेटे राय ना वैक थी वर्स तेरी काफी ज्यादा राय था बदरंग शक्ले देखो जरा आईना लंबे बालों वाली जैसी। अबे समय राय ना के ऊपर शॉट लिया है राय ना, वो भी कश्मीरी है। हाँ और इधर से कृष्णा सीधे मौत इन लोगों के साथ उसका पूरा उठना बैठना है, और कुछ उसने कमेंट कुछ किया होगा इन लोगों पर, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। एक भसड़ बहुत था इन लोग के बीच में, मतलब कौन कहाँ से कहाँ बैठ के बातचीत गाना बना ली नहीं वो थोड़ी, फिर बीच में तो बच्चों तो भयंकर कुछ भी वो तो माँ ही उसको मतलब नहीं है, वो ऐसा है कि जैसे हम लोग भी बैठ के वैसे वो भी कर करेगा आतंक वाली बात है। मैं ऐसी मौत जो जला, मैं ऐसी मौत जो जला दे सारे नेशन, वो वाली बात समझ रहे हो। हाँ। ये मादा चो देश को धमकाने आया है किसी से मौत को, नाउ दिस इज गेटिंग पॉलिटिकल। क्या ऐसे तो सीधे मौत ही करा पाएंगे ये लोग, देश को कहाँ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये लोग सीधे मौत से लड़के एट द एंड ये लोग किससे लड़ रहे हैं, सीधे मौत से, सीधे मौत से लड़ रहे हैं, मौत से लड़के। और ये लोग सीधे मौत को ही नसीब होते हैं जब हम पड़ता है, यस। तो इन लोगों का पूरा पूरा ये प्लान ही है क्या, एक मैसेज दे रहे हैं क्या ये? तो भाई गाना तो सुन लिया हम लोगों ने, बातचीत भी बहुत सारी निकाली, तो शुरू करते हैं कि क्या क्या निकला है और क्या क्या अभी और निकलना बाकी है। भाई तो देखो हमने जब चोरियां पकड़ी हैं, ठीक है, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं, तो वो तो मजा ही आ गया मुझको आज का, काफी सही फ्लो में थे हम लोग। और मेरे को गाना वैसे अगर ये बकचोदिया में साइड हटा के सुन रहा हूँ तो मेरे को फ्लो वो सब मस्त लगा, जो फ्लो स्विचेस किए और जो बातें बोली हैं, और
ऐसा था कि अगर मेरे को इन चीजों के बारे में नहीं भी पता है तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस क्या चीज के ऊपर शॉर्ट्स ले रहे हैं, एकदम मेरे को नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों का पास रिलेशन क्या था वैसा। ठीक है, तो मेरे को तो नहीं है ना बिल्कुल। वही चीज है ना कि तो अभी हम लोग बीफ हुई है तभी से जानू। हाँ, और तब भी यही मतलब है कि इन लोगों के बीच में पंगा हुआ है। हाँ, ये नहीं था कि क्या सीन हुआ है, बस वो आजादी रिकॉर्ड वाला रेफरेंस से मेरे को पता चला था कि ये लोग एक ही लेवल के अंदर साइन थे, तो वो एक शॉर्ट हो सकता है। वो एक था कि हाँ एक नॉन इन्फॉर्मेशन थी, बाकी वही था कि साथ में काम किए हैं तो ये कलेश हुआ है। तो वो इन लोगों का साथ में कोई गाना भी आया क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं मेरे को पता है, तब मैंने देखा, क्या पता नहीं है। तो ये सीन है, तो मतलब मेरे को उस हिसाब से काफी क्लीन लगा ये गाना कि हाँ इन लोगों ने जो मैसेज देना चाहा, अगर कोई सीधे मौत का वो सुन रहा है तो वो हो पाएगा, तो मेरे को मस्त लगा। तो मैं उसके लिए सिर्फ डिस्क के हिसाब से अगर देखूं अब जो एंड है, तो गाना बढ़िया लगा मेरे को, फ्लो मस्त था, बातें क्लियर थी, तो मैं दूंगा 4 नंबर। मांगे तेरे से अभी हमें तो कल बात बता, सिर्फ बात करनी थी ना। हाँ ठीक है, ज्यादा जज्बातों में बह जाता है मेरा भाई कभी कभी। ठीक है, तो भाई देखो मुझे गाना तो ऐसे सही लगा पहली बार सुनने के साथ से, तो मतलब गाने ठीक गाते हुए लोग, बाकी मुझे ज्यादा जानकारी थी नहीं इनके बारे में कुछ भी, लेकिन हाँ जैसे गाने में अगर ध्यान से सुन लो तो आपको पता लगेगा थोड़ा थोड़ा कि क्या बात कहना चाह रहा है, कभी की कभी क्या कहना चाहता है। तो ठीक था गाना, ऐसा कोई वो नहीं था। ठीक है, वो वही सेम सेम स्टार्टिंग जो गाना हुआ था, लेकिन तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गाना एकदम अनक्लियर रहेगा, मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में गाना चलते मतलब समझ में आ रहा था, कड़ियां जुड़ती गई और गाना एक अच्छी तरह निकल के आया। बट मेजॉरिटी में तो क्या ही निकला, नंबर काटेंगे। तो ठीक है, अब ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, समझ आता हो रहा है, और मेरे फोन की स्पेस भी कम है, तो आगे बताओ पॉइंट आउट अब करते हैं। अब बताइए अपने आईफोन यूजर्स प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स भाई जी। तीन नंबर मेरी तरफ से, तीन सात, मेरी तरफ से 3.5 नंबर। अगर आप बोल रहे थे कुछ, मतलब मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा गाना कोई सुनता हूँ नहीं मैं इस टाइम के, बी फीफ वाले, तो तीन इसमें 10.5 में से। वेल डन, अभी एक गाना बाकी, वो वाला सुन लेंगे, उसका पता चलेगा कि क्या है अभी। उसी गाने में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कौन विनर, जो देख पाया वो अच्छा, जो नहीं देख पाया आप लोग वाला गाना भी देखो, पहले ये आएगा फिर वो आएगा। ठीक है, कट चलते हैं फिर।